मेरे साथियों, 36 कौमों के गरीबों का साथी, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले सुखदेव सिंह गोगा मेडी को सबसे पहले तो मैं सच सच नमन करता हूं और उनकी जघन्य हत्या पर और हत्या करने वालों की कड़े क्यों आपने देखा होगा टीवी के ऊपर सुखदेव सिंह जी अपने कमरे में बैठे हुए थे सोफा के ऊपर, हत्यारे आए और उनके ऊपर गोली चलाकर उन्होंने हत्या कर दी। ये कितना बड़ा जघन्य हत्याकांड है। हमारे पुलिस प्रशासन को देखो आप, जब उन्होंने सुरक्षा की मांग की तो पुलिस प्रशासन नींद में सोया हुआ था क्या? उनको पता नहीं था क्या कि राजस्थान में आचार संहिता के कारण उनके हथियारों को जब्त कर लिए गए थे, उनके सुरक्षा बलों के पास कोई हथियार नहीं थे। तो पुलिस प्रशासन का यह जिम्मा था, उनकी वो जिम्मेदारी थी कि उनको प्रशासन द्वारा उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। परंतु हमारा पुलिस प्रशासन आज जिस तरह से राजस्थान में हत्या हो रही है, उन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है तो राजस्थान का पुलिस प्रशासन है। और उस पुलिस प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं कि हमारे भाई के हत्यारों को जब तक आप लोग उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनके साथ एनकाउंटर नहीं करेंगे, हम आपको आसानी से जीने नहीं देंगे। साथियों, पुलिस प्रशासन को हमारी कड़ी चेतावनी है और इस चेतावनी को हमारा डीजी आईजी एसपी सुन ले कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म तो बाकी है। साथियों, मैं आप साथियों को कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन हमें आज नहीं बल्कि हमारे भाई के हत्यारों को जब तक फांसी पर नहीं चढ़ाया जाए हमें चैन से बैठना नहीं है। साथियों, ऐसे हत्या करने वालों को इस राजस्थान में कोई जगह नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आज जिस तरह से शांति पूरे राजस्थान में किस तरह की हत्या हो रही है, परंतु इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जाते जाते भी ये हत्या का नमूना पेश करके हमें दिखा दिया है। साथियों, इसलिए पुलिस प्रशासन ये कान खोलकर सुन ले 24 घंटे के अंदर अंदर उनको गिरफ्तार कर ले और उनके साथ न्याय करे। उस न्याय यदि नहीं हुआ तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भी उम्मीद करेंगे। हम तैयार हैं और मैं आपको कहता हूँ कि मैं जब तक उसको नहीं मिलेगा मैं आप लोगों के साथ हूँ। ईट से ईट भी यदि बढ़ानी पड़ेगी तो हम ईट को भी बढ़ाएंगे, परंतु सुखदेव सिंह जी को न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।